أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب और जूम और यूट्यूब पर सुनने वाले तमाम सामईन, आज का जो हमारा अनुमान है वो है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं ही हूँ सबसे पहले मुसलमान होने वाला, आई एम द फर्स्ट आपके सामने
तिलावत की है और उसी के हिसाब से मैंने आपके सामने दुआ पेश कर रहा हूं। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, टुकड़ों में बढ़ गए, यकीनन इससे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं। दीन का मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है। अल्लाह अकबर। एक नेकी कमा लेंगे 10 गुना हम उसका 10% उसका अजर मिलेगा, अगर बदी करेंगे तो अल्लाह ताला उतना ही हमको अजाब देगा और किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से नहीं था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासिम इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे इताअत झुकाने वाला मैं हूं। अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ मोहम्मद सल्लम ये भी कह दो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त वो तुम्हारे अख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जा अता किया, किसी को अमीर तो किसी को गरीब, किसी को फकीर किसी को बादशाह। वही है जिसने तुमको बास को बास के मुकाबले में ज्यादा दर्जे बुलंद किए ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है और बहुत तरबतर करने वाला और रहम फरमाने वाला भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकअल्लाह। तो ये थे हाफिज मोगलुद्दीन साहब जो हमारे सामने बेहतरीन अंदाज कुरान की दावत पेश कर रहे थे। मैं अब दावत देता हूँ भाई फजील अहमद को जो आए और एक तराना पेश करें। भाई फजील अहमद। अल्लाह जागो की अनुदारा वक्त हिसाब आया, जागो की अब गुदारा वक्त हिसाब आया, जब जब जमीर जागा एक इंकलाब आया, जागो 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 भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया, जागो भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया, जब जब जमीर जागा एक इंकलाब आया, जागो जागो जागो। इंसानियत की शम्मे हर सू बुझी हुई है, हैरान जिंदगी है सांसें रुकी हुई है, अब बस्तियां बिगोया महतल बनी हुई है, सारे जहां की नजरें तुम पर टिकी हुई है, जागो जागो जागो।
दे हिसाब आया, जब जब जमीर जागा एक इंकलाब आया। जागो जागो जागो, उख़बाद अपने हाथों बर्बाद हो न जाए, दोज़ख़ खुदारा हमसे आबाद हो न जाए। आजाद जिंदगी ही सयाद हो न जाए, अपना अमल गज़ब की बुनियाद हो न जाए। जागो 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 जागो, भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया। जागो भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया, जब जब जमीर जागा एक इंकलाब आया। जागो जागो जागो, ये जिंदगी फकत एक छोटी सी राह गुजर है, दो रोजा जिंदगानी पर क्यों तेरी नजर है। तेरी हयात का तो मकसद अजीम दर है, दुनिया के बुझ कड़े में तू एक राहबर है। जागो 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 जागो, भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया। जागो भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया, जब जब जमीर जागा एक इंकलाब आया। जागो जागो तुमको पता नहीं क्या वक्ते पता टल है, चकना है हर नफस को जाए खाए अजल है। बस साथ आने वाला जो है वो सच अमल है, वक्ते अजल से पहले नाजुक हर एक पल है। जागो जागो जागो, जागो नारा वक्ते हिसाब आया। जागो भी अब खुदारा वक्ते हिसाब आया, जब जब जमीर जागा एक इंकलाब आया। जागो जागो जागो। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम हाजरीन, हमारे मेहमान मुकर्रर डॉक्टर हाफिज इमामुल्लाह अभी लिंगमपल्ली तक आ गए, लाइक दो मिनट में यहाँ तक पहुँचेंगे, तो दो मिनट इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा जो अहम उनवान है अना अवलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले सर झुकाने वाला मैं इस उनवान पे जो है मुखातिब करेंगे इंशाल्लाह, दो मिनट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए मैं जनाब अब्दुल हफीज साहब मेरे मुकाम जमात इस्लामी को दावत देता हूँ कि वो कुछ इफ्तिताही कलिमात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम शुक्र तारीफ हमद किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है जो तमाम खालिक कायनात का तन्हा परवरदिगार है। मोहतरम हाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, उसकी कायनात पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं और तमाम के तमाम जो मलाइका हैं उसके ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुसलमान होने का हक क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो सबसे बड़ी नेमत उनको दी गई है कि वो ईमान की दौलत है। ईमान वो चीज़ है जो तमाम कायनात में, तमाम जानदारों में, तमाम इंसानों में जिसको ईमान नसीब हो गया इसको एक बहुत बड़ी दौलत मिली। आज हम देखते हैं कि दुनिया के हजारों लाखों अफराद मुख्तलिफ कंट्रीज में रहने वाले, मुख्तलिफ मुकामात पर रहने वाले, अपने अपने कारोबार में, अपनी अपनी कंपनियों में, अपने अपने जॉब में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, वखार है, पैसों के रेल फेल है और नौकर और चाकर की चलत फिरत है। उसके बावजूद अगर उनको ईमान नसीब नहीं होता तो यहाँ की चंद रोज़ा जिंदगी से लेकर वो यहीं पर जो है अपना काम तमाम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग ईमान लाए, अल्लाह के अहकाम पर अमल आवारी किए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया, तो हम देखते हैं कि उनको अबदुल आबाद जन्नतें उनको मिलेंगी, बेहतरीन नेमतों की जन्नतें उनको, जन्नतों से उनको सरफराज किया जाएगा, बुलंद बड़ा मुकाम उनको मिलेगा। यही वो नेमत है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियां हमारे सामने मौजूद है कि वो दिन में घोड़ों के पुश्त पर सवार और रातों को अल्लाह की आबियारी के लिए, अल्लाह की रजा जोई के लिए, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने के लिए अपने रब से आजिज़ी के साथ, इंतिसारी के साथ उससे ताल्लुक को मजबूत करते हैं। यही वो चीज़ है जो तमाम इंसानों से मुसलमानों को मुमताज़ करती है। आज का जो उनवान हमने रखा है इसी पर रखा है। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए, हमारे मेहमान मुकर्रर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और आपके उनवान से लिहाज से हम तक आपको मुस्तफ़ी फरमाएं। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हाजरीन, आज का जो उनवान है अनावल मुस्लिमीन, सबसे पहले सरदार करने वाला मैं हूँ। इस उनवान पे हमारे सामने हमारे मेहमान खसूसी जनाब डॉक्टर हाफिज इमामुल हक साहब मौजूद है, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ इस उनवान पे मैं आरास्ता करें। जनाब डॉक्टर हाफिज इमामुल हक साहब। الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقال تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله العظيم. عزيز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ میری گفتگو کا موضوع قرآن مجید کی سورہ انعام کی आखिरी चंद आयतों में से एक आयत का छोटा सा हिस्सा वा अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस हिस्से को समझने के लिए इसके अंदर जो लफ्ज वा अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जो मुस्लिमीन लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरे हम इताअत करने वाला मैं, मुस्लिम के माने हैं अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को हाजिर करना, इताअत के लिए अपने आप को पेश करना, ये मुस्लिम के माने आते हैं।
अब हम समझने की कोशिश करेंगे कुरान मजीद की रोशनी में कि अल्लाह ताला को कैसा बंदा या कैसा मुस्लिम जो है ना मतलूब है। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिदालिका उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। इस आयत की रोशनी में हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह को एक मुस्लिम मतलूब है, किस तरह एक इताअत करने वाला बंदा मतलूब है। इस पर इंशाल्लाह इन आयतों पर गौर करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है सूरह अनाम की, उसका तर्जुमा है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल इन्ना बेशक सलाती के मेरी नमाज व नुसुकी के मेरी कुर्बानी व महयाया के मेरी पूरी जिंदगी व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, ला शरीका ला किसी मशर करने वालों में से नहीं हूँ, वह विदालिक उम्र मुझे उसी का हुक्म दिया गया वह अव्वल मुस्लिमीन और सबसे पहले सारे हमदाद करने वाला मैं। अब इस आयत को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे हम। अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए फरमाया, कुल ऐ नबी कह दो। ये जब भी कुरान मजीद में कुल का लफ्ज आया है, यानी कि अल्लाह के नबी से जब कहा कहने के लिए कहा जा रहा है, वो इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के माहौल के अंदर, अरब के माहौल के अंदर एक इम्तियाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी ने झूठ बोलते हुए नहीं सुना। वो ऐसा माहौल था जिसमें झूठ बोलना हर किस्म की बुराई जो आम थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाही शख्सियत थी जो सबसे मुमताज थी कि अल्लाह के नबी सल्लम जो भी कह दे वो सदाकत होगा। गो के नबी सल्लम के पास ना कोई हुकूमत थी ना कुछ इख्तियार था, उसके बावजूद आप सल्लम की सदाकत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आप सल्लम को पूरे माहौल पूरे माशरे के अंदर एक इम्तियाजी हैसियत बयान की। तो यानी कि वो एक इम्तियाजी हैसियत का असर है जिसके लिए कहने के लिए अल्लाह ताला कह रहा है। और दूसरी बात कि जो भी यानी कि वही आने वाली है वो नबी करीम सल्लम के जरिए आने वाली है, वो उसकी निशानदेही करते हैं। तो खुल यानी कि नबी सल्लम कह रहे हैं कि आप लोग मुझे देखते हो, ये माशरे में मुझे आपने बचपन से देखा है कि मैंने किसी के साथ सुलह ज्यादती नहीं की, हमेशा सदाकत का पैगाम दिया है, तो मैं इंसानियत की फिक्र करने वाला हूँ। उसके बाद अब जो रास्ता मैं फॉलो करने वाला हूँ अल्लाह के नबी सल्लम मक्का के लोगों के सामने पूछता हूँ किस तरह मैं मुसलमान बनने वाला हूँ, किस तरह मेरी जिंदगी होगी, किस तरह इम्तियाजी हैसियत यानी पर मेरे और आम यानी कि माशरे के ऊपर जो गैर मुस्लिम रहेंगे उसमें क्या फर्क होना चाहिए, ये बयान अल्लाह ताला नबी के जरिए कराना चाह रहा है। कुल इन सलाती के बेशक मेरी नमाज, नमाज का तसव्वुर हर कौम में आया है, हर माशरे में हर मजहब के अंदर आया है, लेकिन उसमें मिलावट है, यानी कि गैर अल्लाह की जो है ना उसमें इबादत शामिल की जाती है। लेकिन नबी सल्लम यहाँ पर सबके बारे में नहीं, नबी सल्लम कह रहे हैं कि मेरे बारे में, अपने बारे में फरमा रहे हैं कि मेरी नमाज खालिस नमाज, यानी कि हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम की जो नमाज थी, नमाज से इब्तिदा में या तकबीर के बाद अल्लाह के नबी सल्लम वो दुआ पढ़ते थे, इन्नी वजहती अलिल्लज़ी फतरस समावाती वल-अर्ध हनीफ मानव की, कि मैंने यकसू होकर यानी हर रुख को हर डायरेक्शन को छोड़कर अपना रुख अपना डायरेक्शन जात की तरफ फेर दिया जिसने आसमान और जमीन को बनाया। अल्लाह के नबी सल्लम ये बताना चाह रहे हैं, ये बयान करना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ रुख पर चलकर इंसान जो है ना एक यानी कि सही सिमत नहीं जा सकता, उसकी मंजिल मकसूद मुख्तलिफ रुख पर मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाकर वो कामयाब नहीं हो सकता। दुनियावी कभी दुनियावी तरह दुनिया की जाहो आशमत के लिए झुक जा रहे हैं, कभी मालो दौलत के लिए झुक जा रहे हैं, कभी हुकूमत के लिए झुक जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लम कह रहे हैं कि ये सब रास्ते अलग है और मेरा रास्ता जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ है, यानी अल्लाह के नबी सल्लम की नमाज में और हमारी नमाज में हमको फर्क महसूस करना चाहिए। नबी करीम सल्लम जो दुआ पढ़ते थे इन्नी वजह
ये आपकी अपनी जबान में थी और हम हर रोज इस दुआ को अपनी नमाज में दोहराते हैं, लेकिन हम इसका मतलब समझ नहीं पाते या उस पर गौर नहीं करते। अक्सर लोग इसी वजह से हमारी नमाजों में और हमारे ईमान में हमारे मुस्लिम होने की वो कैफियत किस तरह होना चाहिए हम वो पेश नहीं कर पा रहे या हम वैसा अपने आप को बना नहीं पा रहे। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्दीद करते करते बार बार ईमान को दोहराने से ईमान रहना पड़ता है। तो हम अल्लाह ताला ने यानी कि नबी की नमाज से हम पर ये बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में तकरीबन अगर हम 50 रकात दिन में नमाज पढ़ते तो 50 बार हम दोहराते हैं कि हमारा रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ है। फिर हम सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती बोलकर अल्लाह के नबी की हदीस है, उसमें भी मरकजी पॉइंट जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी यहाँ पर भी हम ये बात की बार बार तजवीज कर रहे हैं कि हमको कैसा मुस्लिम बनना है, हमको हर किसी के हुक्म के आगे नहीं चलना है बल्कि हम अल्लाह के बंदे अल्लाह के गुलाम अल्लाह के हुक्म पर चलना है। तो मुस्लिम की कैफियत किस तरह होना चाहिए कि बार बार हम जो है ना तस्दीक करते रहें अपने ईमान की, और किस तरह मुस्लिम होना चाहिए हम अपने आप से जो है ना सवाल करते रहें और इस तरह जो है ना बनने की कोशिश करते रहें। इसीलिए तहज्जुद की नमाज की अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज में जो रुकू और सुजूद की दुआएं हैं, अगर हम उस पर गौर करने की कोशिश करें तो उसमें भी यही तस्दीक की बात आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा रुकू तेरे लिए है, मेरा सजदा तेरे लिए है, मेरी समात तेरे लिए है, मेरी बसारत तेरे लिए है, मेरा सोचना तेरे लिए है, मेरे जिस्म के आज़ा तेरे लिए है, यानी उसका मफ़हूम इस तरह है। तो यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी किस तरह होनी चाहिए मुस्लिम को हम पर यानी वाज़े करते। फिर दूसरी चीज बोल इन्ना सलाती व नुसुकी के मेरी कुर्बानी, हम जब भी हर कौम में हर मजहब में कुर्बानी का तसव्वुर है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जब एक मुसलमान को कुर्बानी करना चाहिए जो हम दुआ पढ़ते हैं सेम इन्नी वजह वजिया लिल्लाही, ये भी कहती है कि हमारा रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ है और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं। तीसरी चीज जो इस आयत में बयान की गई है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरा जी मेरा उठना नींद से मेरा वापस सोना, इस दौरान जितने भी चीजें मैं करूंगा चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ होने दो, चाहे मेरी जो भी बिजनेस लाइफ जो भी जिंदगी होगी, एक डॉक्टर है तो उसकी जिंदगी जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बजाय अकामत पर चलेगी, एक इंजीनियर है तो उसकी जिंदगी उसी के मुताबिक चलेगी, यानी जो भी प्रोफेशन होगा जो भी जॉब होगी जो रुख अल्लाह ताला ने बता दिया है जो अहकामात अल्लाह ताला ने बता दिए उसी तरह मेरी जिंदगी चलनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी ऐसी है तो हम मुसलमान हैं सही, जिसका जैसा मुस्लिम होने का हक है हम वह हक अदा कर पाएंगे, वरना हम एक डॉक्टर रहते हुए दुनिया की बातों में भी आते हैं और खुदा के अहकामात की नाफरमानी भी करते हैं अपने मुसलमान भी करते हैं, तो हमारे जो मुसलमान कहने का जो हम अपने आप को कहते हैं वो जो है ना अपनी वो लफ्ज जो है ना हम उस पर जो है ना सही तौर पर अमल नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम देखते हैं, सहाबा की जिंदगी देखते हैं, तो सुबह से पूरी सुबह से उठकर रात में सोने तक और रात की जिंदगी दिन की जिंदगी पूरे 24 घंटे पूरी जिंदगी जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही है। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है वमा मात लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मेरी मौत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, मौत तो हर एक को आना है लेकिन मौत और एक मौत और दूसरी मौत में जमीन आसमान का फर्क, एक मौत वो है जो अल्लाह की रजा के लिए पूरी जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हुए मौत आती है उसका अंजाम अलग है, और एक मौत जो दुनिया हासिल करने के लिए हुकूमत हासिल करने के लिए पैसा हासिल करने के लिए वो जो मौत आती है वो मौत में फर्क। एक मुस्लिम की मौत और एक काफिर की मौत में जमीन आसमान का फर्क, एक बामल मुस्लिम की मौत में और एक काफिर की मौत में जो है ना जमीन आसमान का फर्क है। मौत एक मौत जन्नत का रास्ता दिखाती है, एक मौत जहन्नम का रास्ता दिखाती है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए अल्लाह ताला ये बयान कर रहा है कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है।
फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि ला शरीक ला व बिदालिक उमिर कि और मैं शिर्क करने वाले में नहीं हूँ और मुझे इसी का हुक्म दिया गया और बहाना अव्वल मुस्लिम और सबसे पहले अल्लाह के सामने सर खम इताअत करने वाला झुकने वाला अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने वाला मैं। अजीज सामईन अगर हम तारीख की कुछ झलकियां देखें और कुछ हस्तियों को जिंदगी पर गौर करें तो किस तरह मुस्लिम होना बहाना अव्वल मुस्लिमीन की मिसाल हमें समझ में आती है। सबसे पहले हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर देखते हैं। आज़र आपके बाप उस दौर में सबसे टॉप मोस्ट जो है ना यानी के मजहबी रहनुमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप समझे जाते थे और मजहबी रहनुमा की यह हैसियत रहती थी कि बादशाह भी खुद डरता था। मजहबी रहनुमा के कहने पर बादशाह की तख्त भी जो है ना उलट जा सकता था। मजहबी रहनुमा के कहने पर लोग जो है ना बादशाह के खिलाफ होते थे बादशाह यानी और लोग बादशाह की मानते थे। तो उस टॉप पोजीशन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसानी से जो है ना वो गद्दी संभाल सकते थे और जिंदगी अपनी जो है ना बहुत आराम से जो है ना जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जस्तजू करे हक को पहचानने की जब हक कोशिशों के बाद जब हक को पहचान लिया फिर कहा इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ध हनीफ़ा मा अना मिनल मुश्रिकीन कि मैंने यकसू होकर सब रुख छोड़कर दुनिया का रुख हर चीज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना रुख अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कर दिया। यानी कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता तो उसको अपना रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ करना चाहिए। अगर हम अपने मुख्तलिफ डायरेक्शन रखेंगे जिंदगी के हम चाहेंगे कि खुदा को भी खुश रखे खुश रख सके और दूसरी बात कुवतों को भी खुश रख सके तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रुख अपनाना होगा जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनाया। फिर हम चुनाच हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी किस तरह मसाइल में गुजरी और जब इनकार किया हक की सदाकत का ऐलान किया तो जो है ना आग में जलाने की कोशिश की गई फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने पुराशोभ माहौल के अंदर भी वअना अव्वलुल मुस्लिमीन की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई मानता या ना मानता लेकिन मैं जो है ना अपने आप को मुस्लिम कहता। चुनांचे हम देखते हैं कितनी बार जो है ना अल्लाह ताला जो है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाथ मानना चाहते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर बार जो है ना वअना अव्वलुल मुस्लिमीन की मिसाल पेश करते हैं। बेटे और बीवी को जो है ना एक जंगल में छोड़ देने के लिए कहा गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वअना अव्वलुल मुस्लिमीन मैं सर खम इताअत करने वाला। जब बेटे को कुर्बानी करने के लिए कहा गया उस दौर तक कभी तारीख में मिसाल नहीं थी और आज तक नहीं है और क़यामत तक नहीं आ सकी क्योंकि बाप अल्लाह की रजा के लिए बेटे की कुर्बानी कर रहा है। लेकिन उस दौर में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वअना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि वअना अव्वलुल मुस्लिमीन किस तरह हम अपने आप को मुसलमान बता सकते हैं चाहे माहौल कितना भी खराब होने दो पूरी की पूरी दुनिया कुफ्र का बातिल का साथ देने दो लेकिन इसके बावजूद हम जो है ना अकेले होने के बावजूद हक की सदाकत का हम ऐलान करते पूरी कंपनी के अंदर बातिल के तौर तरीकों पर जो है ना अमल किया जा रहा लेकिन हम अपनी तरफ से ये ऐलान करेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम हक का जो है ना साथ देने वाले। पूरी मेडिकल फील्ड के अंदर अगर हम डॉक्टर हो तो और पूरी मेडिकल फील्ड के अंदर जो है ना गलत तरीके अपनाए जा रहे तो हम बहसियत मुस्लिम डॉक्टर हम ये बताएंगे कि वअना अव्वलुल मुस्लिमीन और सही तौर पर जो है ना मेडिकल प्रैक्टिस हर प्रोफेशन के अंदर अगर हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल लें तो इस तरह जो है ना हम जो है ना वअना अव्वलुल मुस्लिमीन की मिसाल पेश करते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि एक और मिसाल फिरौन जो वक्त का सबसे जाबिर बादशाह था जब जब उस उनकी बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अलैहि सलाम पर जो है ना जब हक की सदाकत आया हो गई जब वो हक को जान लिए तो फिरौन आपको जो तकलीफ दे रहा था मारने के जब सजाए मौत सुनाई गई तब भी वो ये बयान कर रही थी कि वाना वल मुस्लिमीन तो मुसलमानों से मैं मुस्लिम हूँ। फिरौन की पूरी कौम तकरीबन पूरी कौम जो है ना फिरौन को खुदा मानती थी और फिरौन के हुक्म पर चलती थी। वो माहौल ऐसा था कि वाना वल मुस्लिमीन कहना और अपने आप को जो है ना अपने आप को मौत का यानी कि अपने आप पर मौत वाजिब कर लेना उस दौर में भी हजरत बीवी
आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा फिरौन की बीवी कहती है कि वान अव्वल मुस्लिमीन और उनको जो है ना मौत की सजा सुनाई जाती है। तो इसी तरह हम कभी इस बाकी से सबक लेना चाहिए कि किस तरह जो है ना हम मुसलमान रह सकते हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद भी हमको जो है ना वान अव्वल मुस्लिमीन की मिसाल जो है ना दुनिया के सामने पेश कर दी है। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते हैं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे दावत दीन का जो है ना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा गया, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है आप जो दावत बयान करने वाले हो मुझे पहले बयान करें। मैं पूरी कौम पता है कि अपनी कौम मुखालिफ होने वाली है, पूरा कबीला, पूरी कौम, पूरी अरब, पूरी दुनिया जो है ना मुखालिफ होने वाली है, फिर भी जो है ना हक की सदाकत पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वहां अव्वल मुस्लिमीन की मिसाल पेश की। फिर हम देखते हैं कि सारी जिंदगी अपना माल अपना वक्त अल्लाह के नबी सल्लम के साथ लगा दिया ताकि जो है ना इस्लाम की तबलीग कर सके। ये है वहां अव्वल मुस्लिमीन की मिसाल। इसी तरह हम देखते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा जिसको दुनिया आज भी जो है ना टॉप मोस्ट जनरल्स में से दुनिया की यानी फौजी तौर पर जो है ना टॉप मोस्ट जनरल दुनिया के जो गुजरे हैं उसको मानती है, और आज भी हजरत खालिद बिन वलीद के जो वार टैक्टिक्स थे, जो वार स्ट्रेटेजी थे, आज भी दुनिया उसको अपनाती है। और उनका ये तर्ज अमल था कि जब भी वो मैदान में निकलते थे सबसे आगे रहते थे और वन अव्वल मुस्लिमीन की मिसाल पेश करते थे, और उनकी ख्वाहिश ये रहती थी कि हर जंग में वो आगे रहकर जो है ना शहादत का रुतबा हासिल करें। फिर चुनांचे हम इसी तरह देखते हैं मौजूदा दौर में 100-150 साल 200 साल पहले जब तुर्की के अंदर खिलाफत उस्मानिया खत्म की गई थी और इस्लाम की तबलीग को रोक दिया गया था, उस दौर में छुपते छुपाते जो तुर्की के अंदर जो तहखाने होते थे उसके अंदर तहरीक चलाई बदीउज़्ज़मान नूरसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी जो है ना जब पूरी तुर्की के अंदर जो है ना बातिल कुव्वतें जो है ना कुव्वत पकड़ चुकी थी उसके बावजूद भी जो है ना तहखानों में रहकर जो है ना उन्होंने वान अव्वल मुस्लिमीन की मिसाल पेश की। मिस्र में हम देखते हैं कि अफ़्वान मुस्लिमीन के सदर रहनुमा हसन बना शहीद रहमतुल्लाह अलैह बातिल कुव्वतों के सामने डट जाते और कहते हैं कि वान अव्वल मुस्लिमीन, और उसका असर यह होता है कि पूरे अरब के अंदर जो है ना हक की बात जो है ना फैल जाती है, और आज भी हम उसके असर जो है ना अरब के सरजमीन पर। इसी तरह चुनांचे हम देखते हैं कि सैयद मौदूदी रहमत जब बातिल कुव्वतें बातिल आइडियोलॉजी दुनिया के सामने पेश की जा रही थी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब को जो है ना उन सब के जो है ना दलाइल को रद्द करने का काम सैयद मौदूदी अलैहि रहमत ने किया। जब जब कोई इस काम को उठाया अपने हाथ में नहीं लिया था, सैयद मौदूदी ने कहा कि वान अव्वल मुस्लिमीन, और पूरी जो है ना कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, सेक्युलरिज्म की जो है ना जो भी आइडियोलॉजी थी बातिल आइडियोलॉजी थी उसका इनकार किया और सही आइडियोलॉजी को पेश किया। अजीज साथियों, हर दौर में बातिल की कुव्वतें भी रही और हक की कुव्वतें भी रही, और अक्सर बारा ये हुआ कि बातिल ताकतवर रहता है और हक जो है ना यानी तादाद के मामले में कमजोर रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं तारीख उठाकर जब हक बोलने वाले चंद अशखास चंद लोग जो है ना मुट्ठी भर लोग जब हक की सदाकत का ऐलान करने निकलते हैं वान अव्वल मुस्लिमीन कहते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती है और बातिल जो है ना कुव्वतें जो है ना कमजोर पड़ने लगती है और बातिल का खात्मा। अजीज साथियों, हम जिस फील्ड में भी होंगे, जिस प्रोफेशन में भी होंगे, जिस तरह भी हमारी जिंदगी होगी, जो भी हमारा अमल का मैदान होगा उसमें हमें पेश करना चाहिए, पेश करना होगा कि वान अव्वल मुस्लिमीन, अगर हम इस्लाम का गलबा चाहते हैं, अगर सही मुसलमान होने का दावा अगर हम अमली तौर पर पेश करना चाहते हैं तो वान अव्वल मुस्लिमीन जो है ना हमको जो है ना लोगों के सामने दुनिया के सामने बताना होगा कि हक का रास्ता क्या है, बातिल का रास्ता क्या। अमली तौर पर हमें साबित करना होगा कि मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मैं मुस्लिम डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर तो हूँ लेकिन मैं मुस्लिम इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर तो हूँ लेकिन मैं मुस्लिम टीचर हूँ, एक मुस्लिम टीचर में एक गैर मुस्लिम टीचर में फर्क वाजे फर्क होना चाहिए, एक हक की बात करने वाले में एक बातिल का साथ देने वाले में एक फर्क होना चाहिए। अगर हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और इंशाल्लाह हम जो है ना हम खुद भी सुरखुरु होंगे और इस्लाम का भी इंशाल्लाह इस दुनिया में बोलबाला होगा।
आजकल जो दुनिया में ट्रेंड बन चुका है कि अपनी जिंदगी का 1-5-4-3-2-1 का फॉर्मूला पर जो है ना दुनिया अमल कर रही है। फाइव के माने कि मेरी 5 डिजिट्स में सैलरी होनी चाहिए, 4 यानी कि मेरी 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, 3 यानी कि मेरे पास 3 बेडरूम फ्लैट होना चाहिए, 2 यानी कि मैं और मेरी बीवी, और 1 यानी कि एक औलाद। यानी पूरी जिंदगी का मकसद, जिंदगी गुजारने का मकसद सिर्फ 5-4-3-2-1 तक महदूद हो गया। बहुत से मुस्लिम नौजवानों में भी बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि अगर हम 5-4-3-2-1 के फॉर्मूले पर अमल कर ले और जो हम चाह रहे हैं जिंदगी में वो हासिल कर ले तो हम कामयाब हो गए। नहीं जी साथियों, हम इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। जरूर आप पैसा कमाइए, ज्यादा से ज्यादा कमाइए, हलाल कमाइए, लेकिन इसके बावजूद पैसा कमाने के अलावा भी जो है ना हमारे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी, वो है वाना वलुल मुस्लिमीन की। हमें दुनिया के सामने साबित करना होगा वो कि अपने वक्त हम कमजोर है, लेकिन हम वाना वलुल मुस्लिमीन की मिसाल पेश करेंगे और आने वाली हमारी नस्लों के लिए मिसाल पेश करके जाएंगे कि जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने मिसालें पेश की डूबती हुई कश्तियों में जो है ना जिस तरह निकलने की तूफानों में निकलने की कोशिश की, हमें भी कोशिश करना होगा। हमें भी जो है ना इस्लाम के बोलबाले के लिए, हमें भी अपनी आखिरत संभालने के लिए वाना वलुल मुस्लिमीन की मिसाल पेश करनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिस तरह हमारे असलाफ ने जिंदगी गुजारी है, जिस तरह अपने मुसलमान होने का अमल अमली तौर पर जो है ना मुजाहिरा किया, अल्लाह हमें भी उस तरह अमल करने की तौफीक दे, हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अलैहि माशाल्लाह। तो ये थे जनाब डॉक्टर हाफिज इमामुल हक साहब जो हमारे सामने अना अव्वलुल मुस्लिमीन के मान पे मुखातिब कर रहे थे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो है हर हफ्ता हर संडे को जो है यहाँ जोहर के साथ होगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप और साथ में जो है हमारा ये प्रोग्राम लाइव भी होगा जूम के अंदर, साथ साथ जो है जमात इस्लामी सिरलिंगमपल्ली यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक के अंदर भी होगा। तो खवातीन हज़रात जो भी घर पर बैठे हुए या जो लोग मस्जिद तक नहीं आ सकते ऐसे लोग तक जो है इस बात को पहुंचाए कि ये प्रोग्राम हमारा हर संडे बाद जोहर होगा। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ये हमारा प्रोग्राम दुआ से खत्म होगा इंशाल्लाह। और मैं जनाब फखरुद्दीन साहब से दावत देता हूँ कि वो दुआ से जो है इस प्रोग्राम को। जनाब अब्दुल रफी साहब بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں مولا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں اے اللہ سب سے پہلے مسلم بننے کی اور اس کے بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سے جو کچھ غلطیاں اللہ خوش ہو گئے ہیں مولا اس کو معاف فرما یا رب العالمین ہم میں سے جو کوئی گزر چکے ہیں ان کو بہترین جنت نصیب فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। इसी के साथ आज का इस इज्तिमा का इख्तिताम का ऐलान किया जाए।